अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सी दूर संचार कंपनी ने हैदराबाद के एक वाणिज्यिकीय नेटवर्क पर 5G नेटवर्क को सफल परीक्षण किया है, ऐसा करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ए एयरटेल, बी जियो, सी BSNL या डी वोडाफोन आइडिया। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में 100 कमरे के स्नातकोत्तर छात्रावास का उद्घाटन। भागलपुर सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में 100 कमरे के स्नातकोत्तर छात्रावास का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सांसद अजय मंडल, प्रभारी कुलपति डॉक्टर R.K. सोहानी ने संयुक्त रूप से देर शाम फीता काटकर और पौधारोपण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने छात्रावास का निरीक्षण भी किया। विश्वविद्यालय की गतिविधियों को दिखाएगा। छात्रावास का उद्घाटन किया गया सर, लगातार BAU बेहतरीन कार्य करते जा रहा है, तो सुविधाओं को बढ़ाने का काम है जी। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यूनिवर्सिटी अधिक से अधिक सेवा करे और किसी के क्षेत्र में इसकी बड़ी ख्याति है और वह ख्याति बरकरार नहीं आगे बढ़े और दूर दूर तक फैले, इस हेतु यह सब काम बहुत आवश्यक है और उसी उद्देश्य से छात्राओं की सुविधा की दृष्टि से ये छात्रावास बना है जो आधुनिक साज सज्जा के साथ है, सुविधाओं के साथ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को सहूलियत मिलेगी और मैं धन्यवाद देता हूँ इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब को और उस पूरे विश्वविद्यालय परिवार कि उन्होंने बढ़िया और यह काम करवाया है। यह छात्रावास बन करके अपने समय के हिसाब से तैयार हो गया है, अब छात्र इसका उपयोग करेंगे, छात्राएं इसमें आएंगी और सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई हो पाएगी। इसलिए इस दृष्टि से इस काम में सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं जो लोग लगे थे और सभी धन्यवाद के पात्र सर। इस विश्वविद्यालय रशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। भागलपुर बिजली के पोल में बांध कर आरोपी को ग्रामीणों ने पीटा। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में हथियारबंद अपराधी किसी अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, वहीं ग्रामीणों की नजर से इसकी गतिविधि बच ना सकी और मंसूरपुर गांव के लोगों ने आरोपी को हथियार के साथ पकड़कर बिजली के पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद जब औद्योगिक थाने को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी को गाँव वालों से छुड़ाकर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बताते चले कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी मोहम्मद सांसा की हालत काफी नाजुक है।
नवगछिया आपदा से बचाव के लिए एसडीआरएफ ने छात्र छात्राओं को दी जानकारी। जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को नवगछिया के रामधारी उच्च विद्यालय तेतरी और इंटर स्तरीय विद्यालय नवगछिया में आपदाओं से बचने और बचाने के उपाय को एसडीआरएफ टीम के द्वारा बताया गया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में दोनों स्कूलों में लगभग 40 शिक्षक 35 शिक्षिकाएं और 480 बच्चों ने भूकंप आग और सर्पदंश से बचने का उपाय जाना। बच्चों ने आपदाओं का मॉक ड्रिल देख पुनः एसडीआरएफ की टीम को आने का निमंत्रण भी दिया। इस तरह का कार्यक्रम स्कूल में पुनः दोबारा किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों स्कूल के प्रधानाध्यापक का सहयोग एसडीआरएफ टीम को मिला। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने बताया कि भूकंप आने पर घबराना नहीं चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। पहले गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को प्राथमिकता देकर भूकंप के दौरान बाहर निकलना चाहिए। वहीं श्री ओझा ने बताया किसी भी तरह का परिस्थिति हो तो सामने से निपटने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में एसडीआरएफ के सहयोगी नीलेश कुमार, शंभूपाल, निरंजन कुमार, नवनीत कुमार पांडे, सतीश कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। बोलते है ना अंडाकार है किसी, अब इसी को थोड़ा सा बच्चों मान लो कि ये पृथ्वी है किसी तरह की। अभी लेयर देखिए बच्चों, जब तक ले फॉर्म दिन नहीं होगा ना, एक लेयर ये हो गया, ये पाला लेयर, इसकी मोटाई 200 किलोमीटर जो हम लोग रहते हैं क्रेस्ट। दूसरे बात, इसके बाद में कोट बीच में है, इस तरफ से एक कोर का लेयर हो गया और उसके बाद मेटल, मेटल के ऊपर मैंने पूरी पृथ्वी टिकी हुई, वो क्रेस्ट कोर और मेटल। अब चलते हैं नीचे सतह में जो हम लोग का तरल पदार्थ है, बिल्कुल तरल है। पानी विवाह भवन 0 माइल NH-31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक को दी गई समारोह पूर्वक विदाई। नवगछिया के इंटर स्तरीय नंद कुमार उच्च विद्यालय नगरा के अवकाश प्राप्त प्रभारी प्रधानाध्यापक सह जीव विज्ञान के शिक्षक अशोक कुमार सिंह को विद्यालय परिवार द्वारा एक समारोह का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई। श्री सिंह ने वर्ष 2015 में विद्यालय में नियोजित शिक्षक के रूप में योगदान दिया था। श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने महज 5 वर्षों तक विद्यालय परिवार को अपनी सेवा दी है, लेकिन इन 5 वर्ष 11 माह में उन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता का बेहतर उपयोग किया है। इस अवसर पर श्री सिंह ने अपने संबोधन के क्रम में कुछ खट्टी मीठी यादों को साझा किया, जिसके सुनने के पश्चात उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। जानकारी देते हुए विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि श्री अशोक कुमार सिंह जो करीब 4 वर्षों तक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक भी रहे, समारोह में अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक को अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं से अवसर पर समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्रवीण कुमार यादव कर रहे थे। मौके पर राम गोविंद सिंह, संचालनकर्ता सुमन कुमार सुमन, अख्तर आलम, अखिलेश, मनोज कुमार, नसीम अहमद, रविंद्र झा, भरत लाल पासवान, मुखिया सचिदानंद सिंह, कृष्ण कुमार सिंह बच्चन, रमाकांत झा सहित माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद थे। कार्यक्रम में मंच संचालन वरुण बाबुल द्वारा किया गया। अशोक कुमार सिंह, एमए इकोनॉमिक्स, बीए एमए घंटाघर भागलपुर से किया हूँ। मैं यहाँ 3 मार्च 2015 को प्रभार लिया, अस्वस्थता के कारण 15 अक्टूबर 2019 को प्रभार श्री परविंदर यादव को सौंपा। कहाँ पे सर? इसी विद्यालय में, प्लस टू नंद कुमार उच्च विद्यालय नगरा।
नवगछिया एसडीओ ने अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक कहा, लाभुकों को फरवरी एवं मार्च माह का एक साथ खाद्यान्न की होगी आपूर्ति। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक एसडीओ अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जन वितरण प्रणाली को लेकर खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पूर्व के अनुश्रवण समिति द्वारा उठाए गए प्रस्ताव की समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी ने की। इस दौरान पूर्व में उठाए गए प्रस्ताव पर हुई कार्रवाई को संतोषप्रद पाया गया। बैठक में अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। संदर्भ में एसडीओ ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को राशन कार्ड अनुमंडल में दिए जाने का निर्देश दिया है। सदस्यों ने बताया कि ऐसे कई राशन कार्ड हैं जिनमें लोगों का नाम गलत है या कार्ड में नाम को जोड़ना है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रपत्र को भरने का निर्देश दिया है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया पौष पूर्णिमा के माँ कौशल्या मेला में दो दिवसीय महादंगल प्रारंभ। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत सोहरा गांव कोसी तट के समीप प्रसिद्ध मेले पौष पूर्णिमा में माँ कौशल्या की पूजन एवं हवन आचार्य कौशल जी पंडित मुकेश शास्त्री प्रभात शास्त्री अर्जुन शास्त्री ने संपन्न कराया। माँ कौशल्या के प्रांगण में अखंड रामधुन दुर्गा पाठ के बाद रामायण पाठ माँ कौशल्या नाट्य कला परिषद की ओर से जारी है। शुक्रवार को दो दिवसीय महादंगल का शुभारंभ हुआ जिसमें मध्य प्रदेश के पहलवान ऋषु यादव विपिन पहलवान ने अपने कर्तव्य दिखाए। वहीं दूसरी ओर महिला पहलवानों में बनारस की बबली यादव दिल्ली की खुशबू ने कुश्ती में अपने कर्तव्य दिखाकर सबको हैरान कर दिया। वहीं दोनों पहलवानों ने जबरदस्त कुश्ती के साथ नारी शक्ति का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि सह संयोजक अशोक कुमार उद्घोषक शिव कुमार ने नायक मंडली के गुरुदेव यादव पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद यादव पूर्व प्रमुख विजय यादव दिवाकर सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया सदगुरु देव का सात दिवसीय अवतरणोत्सव आरंभ। शिव शक्ति योग पीठ में शुक्रवार को स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज परम पूज्य सदगुरु का अवतरणोत्सव का शुभारंभ हुआ। स्वामी श्री आगमानंद जी महाराज ने गुरु चरण में अपने दिव्य वचन अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अवतरणोत्सव कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा के तरह सात दिवसीय आयोजित होगा। देर रात स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा कि शनिवार की सुबह से ही जन्मोत्सव का कार्यक्रम आरंभ होगा। सुबह मंगल आरती, इसके बाद पीठस्थ देवी देवताओं का पूजन, 9:30 बजे गुरु चरण पूजन होगा। गुरु चरण पूजन स्वामी आगमानंद जी महाराज के द्वारा मंच पर ही होगा। गुरु चरण पूजन के पश्चात चरण दर्शन होगा। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। कदवा में जिला परिषद ने किया सखी सिलाई बुनाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। युवा विकास समाज कल्याण फाउंडेशन के अंतर्गत एनजीओ की ओर से नवगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार ने शुक्रवार को खैरपुर कदवा पंचायत के गोला टोला फोर लेन सड़क समीप एक सखी सिलाई बुनाई
प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ पिता काटकर किया। कार्यक्रम उद्घाटन के बाद जीप ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर चार महिला ट्रेनर रिंकी देवी, पूनम देवी, फूलन देवी, ललिता देवी एवं संस्था के सहायक सत्यम कुमार, लक्ष्मीपुर पंचायत के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सोनू आलम, खैरपुर कदवा पंचायत के उषा देवी, कदवा दियारा के राहुल कुमार, पूर्व मुखिया पूनम देवी, सरपंच जालो सिंह, गुरुदेव सिंह, शंकर मंडल व पटवारी सिंह के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। नवगछिया अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल हुए पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र। नवगछिया के मदरौनी स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित बिहार में उच्च शिक्षा का महत्व विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार की उन्नति में उच्च शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां के विद्यार्थी में प्रतिभा की कमी नहीं है, इसे सही दिशा में निकालने की आवश्यकता है। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के निदेशक राजीव रंजन, डॉक्टर आचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, जितेंद्र पांडे, खंतर मंडल राजेश कुमार, मिथिलेश कुमार झा, मृणाल, पिंकेश कुमार, या कुमारी, कुमार अमित सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया रवि कुमार बने मुख्य जदयू जिला प्रवक्ता। नवगछिया संगठन जिला जदयू के जाने माने युवा नेता, पूर्व मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार को प्रदेश जदयू ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुवार को प्रदेश नेतृत्व ने मुख्य जिला प्रवक्ताओं की सूची जारी करते हुए रवि कुमार को नवगछिया संगठन जिला जदयू का मुख्य प्रवक्ता घोषित किया है। वहीं बताते चलें कि सूची में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, गोपालपुर विधानसभा प्रभारी सुबोध चौहान, बीपुर विधानसभा प्रभारी प्रकाश कुमार सिंह, जिला महासचिव शिवशंकर चौधरी, छात्र जिला अध्यक्ष नवीन निश्चल, मीडिया सेल के प्रिंस पटेल, रूपक पटेल व पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। आज बनेगा मानव श्रृंखला, सभी घटक दल होंगे सामने। बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन राज्यों में आज 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में है। राजद की ओर से जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने बताया कि हम लोगों ने आज 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल के नेता इस मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। मानव श्रृंखला NH 31 से पंचायत स्तर तक बनेगी। भाकपा माले ने भी मानव श्रृंखला में शामिल होने की घोषणा की है। श्री झा ने कहा कि किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की गारंटी करने, धान खरीद की सीमा समाप्त करने, बिहार में मंडियों को फिर से बहाल करने सहित कई मांगों को लेकर महात्मा गांधी के शहादत दिवस यानी 30 जनवरी को महागठबंधन के आह्वान पर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन होना पूर्व से तय है। श्री झा ने बताया कि आज दोपहर 12 बजे NH 31 पर श्रृंखला विशेष रूप से बनाई जाएगी, जिसमें बेरोजगार, नौजवान, महिला, किसान सहित सभी घटक दल के समर्थक व नेता मौजूद रहेंगे। नवगछिया में इसकी अगुवाई विपक्ष के नेता शैलेश कुमार करेंगे। नवगछिया, बेखौफ अपराधी ने पुनः मुख्य सड़क पर हथियार के बल पर हाईवा ड्राइवर को लूटा, जांच में जुटी पुलिस। बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह 9 बजे के आसपास नवगछिया तीन टेंगा करारी PWD सड़क पर हथियार के बल पर धरारा हाई स्कूल के निकट हाईवे को ओवरटेक कर चालक व उपचालक को कब्जे में लेकर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर पुनः वापस अपने गंतव्य की ओर चले गए। मिली जानकारी के अनुसार कजरेली निवासी हाईवा चालक छोटू कुमार लाल बालू टिंटेंगा करारी घाट पहुंचा और बालू की कीमत 18,000 रुपए लेकर वापस कजरेली जा रहा था कि धरारा हाई स्कूल के निकट पीछे से स्प्लेंडर बाइक पर सवार तीन हथियारबंद अपराधी ने ओवरटेक कर हाईवा को रुकवा कर चालक छोटू कुमार व उप चालक को अपने कब्जे में लेकर चालक से कुल 26,000 रुपए व हाईवा की चाबी छीन कर पुनः वापस हो गया। घटना की जानकारी चालक ने अपने मालिक को दिया। मालिक ने घटना की सूचना नवगछिया के आरक्षी अधीक्षक व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार व गोपालपुर थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित चालक से घटना की जानकारी ली। चालक छोटू कुमार ने बताया कि पहले से मेरे पास 8,000 रुपए थे और बालू की कीमत 18,000 रुपए मेरे पास थे। छोटू के अनुसार गोपालपुर पेट्रोल पंप से ही बाइक पर सवार तीन अपराधी पीछा कर रहे थे। SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि गोपालपुर थाना अध्यक्ष को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
गोपालपुर टीएचआर वितरण की जानकारी मांगी तो सेविका पति ने दे दी जान मारने की धमकी। सैदपुर के केंद्र संख्या 35 धर्मशाला से जुड़ा हुआ मामला। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र में होने वाले टीएचआर वितरण की जानकारी मांगना ग्रामीण सुमन कुमार सिंह को महंगा पड़ गया है। सुमन का आरोप है कि जानकारी मांगने पर सेविका पति ने उसके साथ गाली गलौज किया और जान मारने की धमकी दे दी है। ग्रामीण सुमन कुमार और प्रवीण कुमार ने गोपालपुर थाने में हत्या करने और गाली गलौज का आवेदन दिया है। मामला यह है कि सैदपुर केंद्र संख्या 35 धर्मशाला पर होने वाले टीएचआर वितरण की जानकारी सूचना अधिकार से गांव के ही सुमन कुमार सिंह ने मांगी थी। सूचना अधिकार का जवाब बुधवार को मिलते ही केंद्र संख्या 35 की सेविका पति राजेश कुमार ने सुमन कुमार के साथ मौजूद प्रवीण कुमार को गाली गलौज और जान मारने की धमकी सार्वजनिक रूप से देने लगा है, जिसके बाद दोनों ने गोपालपुर थाने में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पूछे जाने पर गोपालपुर के थाना अध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने कहा कि आवेदन दिया गया है, जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वीडियो प्रियंका ने कहा कि केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, जांच करवाया जाएगा, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद ले मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपे मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 mile नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।